सबसे पहले आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जिन इलाकों में झटके महसूस किए गए उनमें पेशावर, मानसहरा, स्वात, बाजौड़, शांगला, बुनेर और मुलहिका अजला शामिल हैं। पेशावर में इमदादी जराए ये बताते हैं कि फौरी तौर पर किसी किस्म के नुकसान से मुतालिक इत्तला मौसूल नहीं हुई। जलजिले की शिद्दत की वजह से लोग कलमा तैयबा पढ़ते हुए घरों से बाहर आ गए। ताहाल रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत या नौयत मालूम नहीं हो सकी। गहराई क्या थी, मरकज क्या था, इसके बारे में भी पता नहीं चल सका। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जिन इलाकों में झटके महसूस किए गए उनमें पेशावर, मानसहरा, स्वात, बाजौड़, शांगला, बुनेर और मुलहिका अजला शामिल हैं। पेशावर में इमदादी जराए ये बताते हैं कि फौरी तौर पर किसी किस्म के नुकसान से मुतालिक इत्तला मौसूल नहीं हुई। जलजिले की शिद्दत की वजह से लोग कलमा तैयबा पढ़ते हुए घरों से बाहर आ गए। ताहाल रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत या नौयत मालूम नहीं हो सकी। गहराई क्या थी, मरकज क्या था, इसके बारे में भी पता नहीं चल सका। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं।